यूरिया पर अगले 3 साल तक जारी रहेगी सब्सिडी, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर से की शिष्टाचार मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई चर्चा। मुंगेर जिले में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत 350 करोड़ की योजना पर तेजी से चल रहा है काम। प्रदेश के मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की, बोले निवेशकों की हर संभव की जाएगी सहायता। रोहतास जिले के नगर थाना क्षेत्र के तकिया मोहल्ले में लगी आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुंगेर जिले के वासुदेव थाना क्षेत्र में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, हथियार तस्करी मामले में पुलिस को थी इन दोनों अपराधियों की तलाश। वैशाली पुलिस ने अंतर जिला शटर कटवा गिरोह के 7 सदस्यों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से मोबाइल फोन और गैस कटर बरामद। मुंगेर जिले के बरियापुर में आज सुबह हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 10 व्यक्ति घायल, स्थानीय अस्पताल में चल रहा है सभी का इलाज। औरंगाबाद में एनटीपीसी और भारतीय रेल के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे महिला सशक्तिकरण के 28 दिनों के विशेष अभियान का हुआ समापन। बिहार स्टार्टअप 2022 के तहत नवादा के महिला आईटीआई में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।